नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के शुरुआत में देखते हैं आज का सुविचार। मित्रों, युद्ध की शुरुआत दो तरह से होती है, या तो भय से होती है या बहुत शांति प्रियता से होती है। और जो व्यक्ति भय से युद्ध की शुरुआत करता है वो हार जाता है, और जो शांत रहकर युद्ध की शुरुआत करता है वह जीत जाता है। और यही जीवन में नियम भी लागू होते हैं कि जब हम कहीं किसी क्रोध में चलकर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ हमारी हार निश्चित है, और शांति के साथ हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमारी जीत मिल जाती है। इसलिए सदैव व्यक्तियों को शांत रहकर इस प्रकार के कठोर निर्णय लेने चाहिए। मित्रों, अब देखते हैं आज का पंचांग। 20 जुलाई 2019 शनिवार का दिन है। शतविषा नक्षत्र तृतीय आज तिथि है। अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है। विशेष रूप से आपकी तरक्की के संबंध में आप जो प्रयास कर रहे हैं वह सफल होंगे, और कहीं कुछ नुकसान पहले हुआ था उसकी भरपाई के लिए भी जो आज प्लानिंग करेंगे वह भी आपकी सफल होगी। कुल मिलाकर आज सफलताओं का अच्छा दिन है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के भी 5 दिन और अच्छे हैं जिसमें आप सफल होंगे, आपके कार्य सफल होंगे। शांत रहकर आप निर्णय करें, आपको लाभ अच्छे मिल जाएंगे। अधिक लोभ से ग्रसित होकर या अधिक लाभ के चक्कर में जो निर्णय करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी लगाम लगाएं, क्योंकि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आप जितना सोच रहे हैं उतना लाभ नहीं होगा, मात्र 25% लाभ होगा। इसलिए आप उसको उतना ही प्लानिंग करके रखें, बेहतर होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है। भाग्य को बढ़ाने का दिन है, लाभ कमाने का दिन है। आज अपने भगवान को एक श्रीफल भेंट करें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सफल तो आप हो रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक लंबी विधि है जिससे आप सफल होना चाहते हैं। थोड़ा सा शांत रहकर सोचें और कम समय में अधिक लाभ कैसे कमा सकते हैं इसका चिंतन करें, आपका चिंतन सार्थक होगा। सिंह राशि के व्यक्तियों को आज अकेले काम करना होगा। काम बहुत सारे हैं, सब कामों को करना भी है, सोचकर भी आप घर से निकल रहे हैं, लेकिन दोपहर में मित्रों के साथ बैठकर जो समय नष्ट कर रहे हैं वह बिल्कुल ठीक नहीं है। अतः आज अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, किसी के पास बैठकर समय नष्ट ना करें, क्योंकि दिन बहुत अच्छा है। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का अच्छा दिन है। आज लाभ भी मिलेंगे, तनाव भी कम होगा, लेकिन किसी व्यक्ति के आज जमानत ना दें, कोई गारंटी ना दें, ना ही दूसरे व्यक्ति से बात करके कोई समझौता करने की कोशिश करें। अपने ही काम को प्राथमिकता दें, उसमें लाभ मिल जाएगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज तरक्की भी होगी, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, और जिन लोगों से आपको मिलना है उनसे आज मुलाकात भी होगी जो शुभ रहेगी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना चाहिए, और किसी व्यक्ति को यदि आप समझा रहे हैं तो पूरी बात समझाएं, अन्यथा आधी बात में कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमी हो सकती है, उसके कारण आपको तनाव हो सकता है। इसलिए जिस व्यक्ति से जो भी बात करनी है पूरे डिटेल के साथ करें, बेहतर होगा, और परिजनों से संबंध अच्छे रहेंगे। धनु राशि वाले व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। आज आप अपने काम तो कम करेंगे, मित्रों के, परिजनों के और जो आपके ऊपर जिम्मेवारी हैं उन कामों को करने को प्राथमिकता देंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना होगा। कहीं मीटिंग होने वाली है, या तो परिजनों के साथ होगी, ऑफिस में होगी, या जहां आप काम करते हैं वहां पर होगी, तो वहां थोड़े से आप उग्र होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा शांति का परिचय दें, धैर्य का परिचय दें, विजय की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपके कारण कुछ तनाव हो सकता है। और मीटिंग के अलावा जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल होंगे। कुंभ राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है। स्वास्थ्य में सुधार का दिन है। आज मानसिक तनाव भी कम होगा, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें मित्रों की मदद से सफलता भी जल्दी मिलेगी। मीन राशि व्यक्तियों का आज अधिक सोचना नहीं है, काम शुरू कर देना है, अन्यथा आज दिन भर सोचने का ही, और आप कहीं ना कहीं प्लानिंग बनाते रहेंगे, आज के दिन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोपहर के बाद अपने कार्यों को करना शुरू करें, आप सफल होंगे, अच्छी मदद मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, यह थी आपकी 12 राशियाँ और आपका दैनिक राशि। अब देखते हैं आज का रामबाण। मित्रों, हम रामबाण में बात कर रहे हैं, सावन का महीना है, भगवान शिव जी के साथ बहुत सारे हम अभिषेक करते हैं,
बहुत सारे व्रत करते हैं और कई सारे अनुष्ठान इसमें किए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिव जी को इत्र क्यों चढ़ाते हैं। इत्र चढ़ाने से व्यक्ति की प्रसिद्धि मिलती है, और जब भी हमें कोई काम ऐसे करना हो जिसमें कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हो रहे हों, तब भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाता है और अभिषेक करने के बाद इत्र लगाया जाता है जो हमारी प्रसिद्धि के लिए शुभ होता है। मैं तो आज इतना ही, कल पुनः मिलेंगे, जब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन